सिवान लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ पार्टी के प्रत्याशियों का दौरा तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है, इसी क्रम में विजय बहादुर सिंह ने भी चुनावी दौरा तेज कर दिया है और उनका कहना है कि कई लोग मैदान में हैं, लेकिन अब सिवान के लोग एक स्वच्छ और कर्मठ उम्मीदवार का चयन करने में लगे हुए हैं। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको विजय बहादुर सिंह के पास कि उन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से, उन्होंने क्या कुछ बताया। और आपको एक चीज और बता दें, प्रत्याशी विजय बहादुर सिंह काफी कर्मठ और शिक्षित उम्मीदवार ये हैं। इनका मानना है कि इस बार सिवान में काफी बदलाव होगा और ऐसे में विजय बहादुर सिंह को, यानी कि इन्हीं को सिवान की जनता चुनकर संसद भवन में भेजने का काम करेगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि 12 मई को जो चुनाव होंगे उसमें सिवान की जनता का जो वोट होगा वो किस तरफ जाएगा, ताकि आने वाले 23 मई को जो परिणाम होंगे उस परिणाम के बाद अब देखना होगा कि सिवान का जो ताज है वो किसके सर जाता है। ATN लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। देखिए, हमारी मुद्दा शिक्षा है, कृषि है। कृषि को एक कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग के रूप में डेवलप करना, ये सबसे बड़ी मुद्दा होगी। शिक्षा हमारी मुद्दा होगी। समाज को कैसे डेवलप करना है, नौजवानों को कैसे रोजगार देना है, ये हमारी मुद्दा होगी। कई प्रत्याशी चुनाव में जी से भी आप अपने को उस जगह पे कहां मानते हैं? जी, सब प्रत्याशी है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों के पास में कुछ भी मुद्दा नहीं है। ये लोग बिना अनर्गल बात करते हैं, समाज में द्वेष फैला रहे हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैंने अभी 2-3 दिन देख रहा हूँ, ब्राह्मणवास ये बात, ब्राह्मण परिवार यहाँ चला जाएगा, ब्राह्मण समाज यहाँ चला जाएगा, इन्होंने जनेऊ के लिए ये किया वो किया। लालू प्रसाद यादव ने आज से बहुत साल पहले 1 क्विंटल जनेऊ जलवा दिए थे, उस समय कहाँ थे ये लोग? ठीक है, आप जा रहे हैं तो भाई आपके साथ में राष्ट्रीय सहयोग पार्टी है, आइए खड़ा होइए, हम लोग के साथ में आइए, हम लोग के साथ में सकारात्मक राजनीति कीजिए। देखिए समाज में कैसे हम डेवलप कर रहे हैं, कहाँ दलदल में फंसे हुए हैं ये लोग, सब दलदल में फंसे हुए हैं और फंसाते जा रहे हैं। जातवाद में, धर्मवाद में, ये सब में जो फंसेंगे ये दलदल है, दलदल में फंसते जाएंगे, विकास कभी नहीं हो सकता है। विकास करने के लिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, अगर इससे ऊपर नहीं उठेंगे तो आप विकास कभी नहीं कर पाएंगे। बस कल जात पात की बात ही हो रही है। देखिए ना, बड़े बड़े नेता रहे, तेजस्वी यादव ने बोला भाजपा यहाँ ये पलटू चाचा। अरे भाई, आप क्या करेंगे समाज के लिए, इस देश के लिए क्या करेंगे, बिहार के लिए क्या करेंगे, ये तो बताइए समाज को। आप खाली वहीं से बातें कर रहे हैं, इसके कोई मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। मुद्दे पर तो आइए, आपके पास में क्या एजेंडा है, बिहार को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे लोगों को रोजगार देंगे, क्या क्या करेंगे, इस चीज़ पर बात कीजिए ना। कोई इस पर बात ही नहीं करता है, खाली इन सब चीज़ों पर बात कर रहा है और वैमनस्य और जो है आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं ये लोग और दलदल में फंसा रहे हैं लोगों को। मतलब इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? राजनीति इतनी, राजनीति वोट के लिए इस तरह नीचे गिर जाना, ये तो मैंने बहुत दुख की बात है। हम लोग अब इस तरह के बड़े बड़े नेता लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, मैंने हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि बिहार के कहाँ लेके जाएंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लोग क्यों चुने? हमारी राजनीति जो है सकारात्मक राजनीति है, हम किसी की शिकायत नहीं करते हैं। हमारा कौन क्या कर रहा है उसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा है शिक्षा, हम कृषि को आगे बढ़ाएंगे, कृषि को छोटे छोटे उद्योग के दर्जा दिलाएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे। हमने कभी भी यही बात किया, हमने तो स्टेज पर बोला था भाई हमको जात पर वोट नहीं चाहिए, हमको धर्म पर वोट नहीं चाहिए, हमको लालच वाले वोट नहीं चाहिए। हमने तो स्टेज पर बोला था हमको ये सब वोट नहीं चाहिए। किसी की हिम्मत है बोलने के लिए? किसी की हिम्मत नहीं है कि ये बोल सकता है कि हमको ये वोट नहीं चाहिए। सब लोग वही काम कर रहे हैं, वोट के लिए काम कर रहे हैं। मैं बोला और इस तरह के जो आदमी है वो हमारे वोट को मत दे भाई, हमको वोट नहीं चाहिए कि हम इनके हमारे जात के हैं तो हमको वोट दें, हमारे धर्म के हैं तो हमको वोट दें, इस तरह के वोट हमको नहीं चाहिए। चुनाव जब जब आते हैं तब तो शहाबुद्दीन का नाम नहीं आता है, क्या आपको लग रहा है कि आज भी सिवान का नाम शहाबुद्दीन का नाम सिवान पर हावी है? अब तो पहले से वो थे, वो सब समय चला गया, वो सब चीज़ें रही नहीं है, उस चीज़ों को लोग मिसयूज कर रहे हैं, उन लोग उसका नाम लेकर मिसयूज कर रहे हैं, उसमें कोई खास उस वो तथ्य नहीं रह गया है। अब वो सब चीज़ें जो है उसको भुला जाना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए किस कौन से कैंडिडेट में किसमें कुछ करने की क्षमता है, किसमें करने की योग्यता है, कौन सी पार्टी कुछ कर सकती है, उसके लिए आदमी को काम करना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो ये लोग दलदल दलदल को और दलदल किए जा रहे हैं, लोगों को उसमें धसाए जा रहे हैं। और जानते हैं ना दलदल क्या बोलते हैं,
दलदल ऐसी चीज है जिसमें जब आदमी उसमें पैर रखता है ना तो और नीचे चला जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इसको और दलदल दलदल बनाई जा रही है और दलदल बनाई जा रही है। लोग जो घुस जाएंगे उसमें वो नीचे दब जाएंगे, विकास होगा ही नहीं, विकास की बात ही नहीं हो रही है। अरे भाई देखिए, लहर क्या लहर है क्या लहर नहीं है तो हम नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना तो किसी की लहर नहीं चलेगी। जनता हट रही है धीरे धीरे, जनता विकास चाह रही है, जनता शिक्षा चाह रही है। किसान जो है यहाँ का गन्ना मिल बंद हो गया है, किसान का अगर गन्ना बोते तो तमाम उनको सुविधा मिलती। कि किसान तमाम परेशान है, हर लोग धीरे धीरे बड़े बड़े पार्टी से कट रही है। हाँ एकदम निश्चित है, निर्दलीय प्रत्याशी थोड़े हैं, राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी से हैं। तो हम लोग हम युवा वर्ग क्या कहते हैं, जिस माध्यम से हो चाहे जैसे माध्यम से हो, ये क्या कहते हैं कि आज के युग में मोबाइल है, जो भी है, इस माध्यम से हो, हम इस माध्यम से इनका प्रचार करेंगे कि यहाँ से बाहुबलियों को हटाया जाए, बाहुबलियों का सफाया किया जाए और एक ऐसे प्रत्याशी को क्या कहते हैं कि दिया जाए जो हमारे समाज का हमारे ये क्या कहते हैं कि समाज का विकास कर सके और एक राष्ट्र का निर्माण कर सके। क्योंकि जो भी सरकार है उस सरकार ने सिवान को केवल ठगा ही है, जो भी है, चाहे 15 बरस इसके पहले शहाबुद्दीन साहब रहे हैं, चाहे 10 बरस से बीजेपी की सरकार रही है। कुछ नहीं किया है सिवान के लिए, कुछ नहीं किया है 10 बरस में, क्या किया है, कुछ भी नहीं किए हैं ये क्या कहते हैं ओम प्रकाश यादव। एकदम बदलाव के मूड में है, एकदम जानती जनता चाहती है, हम युवा वर्ग चाहते हैं। आप लोग भरोसा करेंगे, क्या कारण है? ये अच्छे हैं उम्मीदवार, इसीलिए हम लोग इस पर भरोसा रखते हैं। आपको लग रहा है कि जनता के लिए हाँ एकदम उत्तम है?